लोकसभा चुनाव को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगरी अयोध्या में एक भव्य रोड शो का आयोजन किया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं भगवान राम लला के भव्य मंदिर के दरबार में खड़ा हूं, उसके गेट पर खड़ा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो की शुरुआत इसी सुग्रीव किला से लगा लता मंगेशकर चौक तक की थी। इस दौरान हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आज प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे, किस तरह का माहौल था, किस तरह का बदलाव आप अयोध्या में देख रहे हैं। जी सर, सबसे पहले तो मैं राम जन्मभूमि पर्व पर खड़ा हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी यहाँ पे आए जन्मभूमि पे। मैं राजस्थान से हूँ, बहुत अच्छा लगा, शानदार माहौल रहा और आगामी टाइम में बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। कितना विकास हुआ है अयोध्या में कुछ देखने को? अयोध्या में 100% विकास हुआ है। मैं सुबह से लेकर शाम तक घूमा हूँ, बहुत अच्छा विकास हुआ है, पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैडम कहाँ से हैं आप, कितना अयोध्या में बदलाव हुआ है, विकास हुआ है? बदलाव तो पूछे मत, पूरे यूपी, पूरे भारत, पूरे विश्व में बदलाव हो रहा है मोदी जी के जरिए। हमारा डायरेक्ट जो है विश्व से भी, मतलब विदेशों से भी हमारा जो है संपर्क हर काम के लिए आगे चल रहा है। पहले कहना पड़ता था, अब वो स्वयं कह रहे हैं। योगी मोदी जी ने जो किया है मैं नहीं जानती हूँ कोई कर पाएगा। योगी मोदी जी ने जो किया वो शायद कोई कर पाए, क्या लगता है कितना बदलाव देखने को मिला है? सर, बहुत बदलाव हुआ है। अगर मूलभूत सुविधाओं को देखा जाए तो आज सड़कों का चौड़ीकरण और महिलाओं की सुरक्षा, और आप ये भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इन 5-6 सालों में अयोध्या का विकास हुआ है उस तरह से कभी नहीं हुआ। राम की पैड़ी आप देख सकते हैं, पहले इतनी गंदगी हुआ करती थी, आज आप जाकर देखिए रात में 10-11 बजे तक लोग चहल पहल मची रहती है, काफ़ी सैकड़ों लोग आपको हमेशा मिलेंगे वहाँ पर सुबह से लेकर रात तक। तो काफ़ी बदलाव हुआ है और काफ़ी विकास भी हुआ है। मान जी, आप क्या कहना चाहेंगे, अयोध्या धर्म नगरी है उस लिहाज से कितना परिवर्तन आया है तब में और अब में? परिवर्तन का तो कोई मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना ज़्यादा होगा। आज मेरे प्रभु श्री राम जो अपने महलों में पहुंच गए और हम सब इतने खुशी से उत्सव मना रहे हैं, और मोदी जी तो 450 पार की बात मैं कहता हूँ, 450 पार करेंगे जी, क्योंकि इतना अच्छा प्रधानमंत्री और इतना अच्छा मुख्यमंत्री मुझे आज तक नहीं मिल सकता था। अच्छा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता, ऐसा क्या खास है मोदी योगी में? सदियों से धारा 370, किसी पार्टी ने उस विषय पर चर्चा ना की। प्रभु श्री रामचंद्र जी के टेंट को हम सभी देखते थे, 500 वर्षों तक इस रामचंद्र जी के टेंट को बदलकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर देने वाले मोदी जी और योगी जी ही हैं, इसलिए किसी अन्य पार्टी के बारे में हम सब विचार भी नहीं कर सकते। टेंट से भगवान राम को महलों में पहुंचाया इसीलिए और यहां पर माहौल देख रहा है। आप कहां से आए? जय श्री राम, मथुरा से आए भैया जी हम। हाँ। भगवान कृष्ण की नगरी से। हाँ। सभी को जय श्री राम, राधे राधे हमारी तरफ से। कैसा बदलाव देख रहे हैं यहां पे? बदलाव बहुत अच्छा है, बहुत पहले से बहुत अच्छी सुविधा हुई है, व्यवस्था अच्छी हुई है। अभी देखने को ऐसा लग रहा है अयोध्या धाम नहीं नगरी जैसा दिख रहा है, जैसे भगवान के टाइम में अवध नगरी थी वही देखने को मिल रहा है सब जगह। सतयुग की तर्ज पर अयोध्या नजर आ रही है। मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि अयोध्या और काशी तो झांकी है, अभी मथुरा बाकी है, अभी मथुरा की बाकी है। जय श्री राम। आप क्या देखना चाह रहे हैं, कितना बदलाव हुआ है अयोध्या में? अयोध्या का श्री राम मंदिर पूरे विश्व में यहाँ पर पहचान बन गई है, मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो यहाँ कार्य कराए गए हैं बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से कराए गए हैं। क्या लगता है कि इस बार कितना बदलाव हो गया? आप यूथ हैं, आप किस तरह बदलाव देखते हैं अयोध्या में? जी, बदलाव बहुत हुआ है अयोध्या में। जैसे पहले गांव था एकदम, अब इसमें हाईवे बना दिया गया, पानी का व्यवस्था है, पीने का पानी की व्यवस्था, और रेलवे की व्यवस्था हुई है, एयरपोर्ट बनाया, काफ़ी सारी व्यवस्था हुई है अयोध्या में। अयोध्या वासी बहुत खुश हैं। जैसा कि आपने सुना यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनाया गया। सर, क्या क्या बदलाव आप देखते हैं अयोध्या में? अयोध्या में तो सारा ही बदलाव हो गया है, पहले था क्या यहाँ पे, सारा कुछ कितना सुंदर अयोध्या बना दिया। स्टेशन से आए अभी हम, दिल्ली से आए हम भी, मोदी जी के साथ ही आए हैं। जैसे मोदी जी आए हम भी आगे सुन के, देखो दिल्ली वहाँ है अभी, मैं हम साथ साथ चलेंगे आपके। आप युद्ध क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है अयोध्या और खासकर आज? ये बदलाव तो पूरा ही हुआ, ये तो खुद साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितना बदलाव हुआ है अयोध्या में। जो चीज़ मुमकिन नहीं हुई और सरकार मुमकिन नहीं कर पाई, वो खुद मोदी जी ने, योगी जी ने सब कुछ मुमकिन करवाया। यहाँ राम मंदिर
ये जो प्राण प्रतिष्ठा करवाई है ये इसी सरकार में मुमकिन हुआ है, और सरकार तो सिर्फ इस पर वोट लेती थी, इस सरकार ने तो करके दिखाया ये सब। लेकिन विपक्ष कहता है ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, मोदी जी ने क्या किया? तो विपक्ष तो सुप्रीम कोर्ट, पहले विपक्ष के लिए भी तो वही सुप्रीम कोर्ट था भाई, ये तो सरकार का मुद्दा हुआ ना। अगर ये खाली सुप्रीम कोर्ट का होता तो पहली सरकार भी ये सब करवाती। विपक्ष के लिए भी सुप्रीम कोर्ट था, विपक्ष ने पैरवी नहीं की, ऐसे में तमाम लोग अन्य लोग मौजूद है। क्या लगता है मैडम, कितना बदलाव हुआ है? नहीं, बहुत बदलाव हुआ है, मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया है। हम अभी आए हैं, फर्स्ट टाइम आया है, तो बहुत अच्छा लगा। जैसी मोदी जी है वैसी हम भी आए हैं। आपको क्या लग रहा है, आप यूथ हैं, कितना चेंजेस दिख रहा है? मेरा वोट इस बार भी बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, क्यों क्यों बीजेपी को वोट दोगे? बीजेपी ने ऐसा क्या किया? रिजल्ट आपके सामने, बीजेपी ने जो हमारे सामने दिखाइए जो बीजेपी ने किया इस बार। ऐसा क्यों लग रहा है 400 पार? ऐसा काम किया है, साकार कर दिए मंदिर के सामने खड़े मंदिर, मंदिर के साथ योजना, घर की सारी योजना दी, गरीबों को राशन पहुंचाया, कोविड में सब मर जाते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार होती मोदी जी के वजह से सब जिंदा है। ऐसी सरकार है मोदी जी की कि आप मजबूती देती है हर इंसान, हर नागरिक के अंदर मोदी जी के लिए प्यार है, इसलिए 400 पार है। कौन से मेन काम है जिसके आधार पर लोग मोदी मोदी कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो आपके सामने ये उदाहरण है, आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है। हम लोग के जब से पैदा हुए हैं तब से सुनते आए हैं कि इतने साल से चल रहा है, उतने साल से मैटर चल रहा है, लेकिन हम लोग की किस्मत अच्छी है कि अपने जिंदा रहते हम लोगों ने ये मंदिर अपने सामने देख लिया। इसके लिए हम मोदी जी और योगी जी को जितना धन्यवाद कर सके उतना ही कम है। क्या लगता है आज के रोड से उसे कितना असर पड़ेगा चुनाव पे? सर देखिए, यहाँ उनको आने की जरूरत वैसे भी थी ही नहीं, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद पब्लिक वैसे भी एक तरफ से उनको इतना ज़्यादा प्यार करती है, इतना ज़्यादा सम्मान है योगी और मोदी जी का, कि पब्लिक वैसे ही उनके लिए दिलो जान बिछा के रखती है। लेकिन आज उनके आने से आप ये समझ लीजिए कि मतलब एकदम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर? मैं क्या कहूँ, मोदी जी जो काम किए हमारे लिए, पूरा भारत जनता के लिए बहुत अच्छा काम किए। हाँ, क्या क्या काम किया है सर? ये राम मंदिर बनवाए, हमने झारखंड से आए हैं, हमें 4 दिन हो गए हैं, हम रामलला के दर्शन भी कर लिए हैं। हमें, हम नहीं सोच रहे थे कि हम रामलला को दर्शन करने के लिए जाएं, लेकिन हम आ गए। इसके लिए मैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आगे भी काम करें इसके लिए हम आभारी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर लोग पहुँचे, क्या लगता है आज के रोड शो के बाद कितना असर पड़ेगा? 400 पार इस बार होना ही है। ऐसा क्यों लगता है आपको? अब मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे, मोदी जी के जैसा चौकीदार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे, भाजपा की फिर सरकार लाएंगे, 24 में 400 के पार लाएंगे। और सज गई है अयोध्या मेरे राम की, सज गई है अयोध्या मेरे राम की, उस पर मोदी जी का आना गजब हो गया, सज गई है अयोध्या मेरे राम की। जैसा कि आपने देखा, ये वो प्यार है, ये वो आस्था है, ये वो विश्वास है कि जिसने भगवान राम को टाट से लेकर महलों में पहुंचाया, उसके लिए वो हर समर्पण करने को तैयार हैं, उसका हर समर्थन करने को तैयार हैं। और यही कारण है कि आज भगवान राम की नगरी अयोध्या में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ है, उसके बाद न सिर्फ अयोध्यावासी बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से अयोध्या में पहुँचे जो राम भक्त हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। हालांकि ये कहावत कितनी सच होगी ये तो आने वाला 4 जून बताएगा, लेकिन फिलहाल ये सच है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज अयोध्या में किए गए रोड शो से बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अनिल मौर्य के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 अयोध्या।